प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे बिहार बिजली विभाग आलोको पायलट के लिए टेक्नीशियन से, इलेक्ट्रिशियन से, और इलेक्ट्रिशियन में देखेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन अच्छा पूछता है, ट्रांसफार्मर बहुत बढ़िया चैप्टर है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कैसे काम करेगा इत्यादि। तो देखिए, सबसे पहले तो यह कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पहला पॉइंट कि ट्रांसफार्मर पारस्परिक प्रेरण या अनोन्य प्रेरण या सह प्रेरण, जिसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, सह प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कहें कि यह पारस्परिक प्रेरण या अनोन्य प्रेरण या सह प्रेरण, तीनों एक चीज है, सह प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा यह है कि यह केवल एसी के लिए होता है, यह डीसी में कार्य नहीं करता है, यह एसी के लिए होता है ट्रांसफार्मर। अगला पॉइंट में कि यह हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में और लो को हाई में बदलता है, अर्थात ट्रांसफार्मर का मेन फंक्शन है वोल्टेज में परिवर्तन लाना। अगर लो वोल्टेज है तो हाई करेगा और हाई वोल्टेज को लो करेगा। इसके लिए अलग अलग ट्रांसफार्मर होता है, जैसे लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में बदलने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, जो आगे हम देखेंगे, और हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में बदलने के लिए ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ये लिखे हैं कि यह हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में और लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, अर्थात ट्रांसफार्मर का मेन फंक्शन क्या है, वोल्टेज परिवर्तन करना, हाई को लो में और लो को हाई में बदलना। अगला है कि इसका रेटिंग केवीए में होता है, कौन सा ट्रांसफार्मर अच्छा होता है, रेटिंग रेटिंग के आधार पर किया जाता है। और इसका रेटिंग केवीए, केवीए का पूरा नाम है किलो वोल्ट एम्पियर, तो इसका रेटिंग किस में होता है, केवीए में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है कि अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता 95 से 98% होती है, जो अच्छा ट्रांसफार्मर है उसको काम करने की क्षमता 95 से 98% है। ऐसे आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 91% से अधिक है। अगला पॉइंट कि इसमें प्रायः नरम लोहे का कोर होता है, एक इस तरह का कोर होता है ट्रांसफार्मर में, जो लोहे नरम लोहे का बना होता है, हालांकि अच्छे ट्रांसफार्मर में या सिलिकन इस्पात का बना होता है, लेकिन जनरली जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कोर नरम लोहे का बना होता है। और इसमें तांबे की कुंडली लपेटी होती है, तांबा नहीं, कॉपर, कॉपर की कुंडली होती है, तांबे की कुंडली होती है, और इसको परतदार बनाया जाता है, मतलब लेमिनेटेड बनाया जाता है, इसको लेमिनेट किया जाता है एडी करेंट के लॉस को कम करने के लिए। पूछता है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर में कोर को परतदार या लेमिनेटेड बनाया जाता है क्यों, तो एडी करंट के लॉस को कम करने के लिए। एडी करंट का लॉस करने का कम करने का मतलब कि कोर में करंट कम जाएगा, अब कोर में करंट कम जाएगा तो लॉस कम होगा। इसमें आप देखते हैं कोर में दो तरह की कुंडली है, एक का नाम है प्राइमरी कॉइल और दूसरे का नाम सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल क्या होता है, तो प्राइमरी कॉइल को मेन से जोड़ा जाता है, जहां करंट का उत्पादन हो रहा है वहां से जोड़ते हैं प्राइमरी कॉइल को, और वहां से करंट आता है, इसलिए यहां लिखे हैं कि यह मेन स्रोत से जुड़ा होता है, यह इनपुट होता है, मतलब इसमें करंट आता है। और दूसरा होता है द्वितीयक कुंडली सेकेंडरी कॉइल, तो यह लोड से जुड़ा होता है, जैसे पंखा है, बल्ब है, हीटर है, तो यह मेन लोड से जुड़ता है और यह आउटपुट होता है। तो इस तरह से दो कुंडली, पहला प्राइमरी कॉइल और दूसरा सेकेंडरी कॉइल देखें, इस तरह से प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल अभी देखें। अब आगे हम दिखाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के हैं, ट्रांसफार्मर में कौन कौन सा लॉस होता है, ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल भरा जाता है, कितना पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, जो हम एक एक करके अगले वीडियो में देते जाएंगे। तब तक इस पर आप ध्यान देंगे, इसको देखते रहेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।